वेलकम टू आवर चैनल ईपी की रसोई। आज हम आप लोग के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों में जल्दी बनने वाला बैंगन का सब्जी शेयर करने जा रहे हैं। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही बैंगन और आलू को कट करके ले लिया है। बैंगन को थोड़े बड़े साइज में कट किया है और आलू को सेम साइज में कट किया है। अभी हम कढ़ाई को गरम करके तेल उसमें डाल लेंगे। तेल को गरम होने देंगे। अपने लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया पत्ती और मिर्च को की सहायता से हम बनाएंगे बैंगन का आसान तरीका का सब्जी। अभी मेथी डालेंगे हम थोड़ा सा, दोनों मिर्च तोड़ के डाल देंगे, ये देखिए, और बैंगन आलू को भी डाल देंगे। अभी इसको हम चलाएंगे, ये देखिए अच्छे से। फ्लेम को बराबर रखेंगे और अपने टमाटर, लहसुन, अदरक को सभी को कट करके ले लेंगे। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक का को कूट के ले लिया है और टमाटर को कट कर लिया है। अभी लहसुन को डाल देंगे, लहसुन अदरक को उसको चला लेंगे अच्छे से। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 3 चुटकी, अपनी चुटकी से डालिए आप 3 चुटकी हल्दी। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे। जितना आप नमक खाते हो उतना डालेंगे। अब चला लेंगे इसको और इसमें हम अपना टमाटर और धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे और अच्छे से सबको भून लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा और भूनेंगे। अभी देखिए दोस्तों, अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी देखिए दोस्तों, बन के रेडी हो चुका है।